पानी की जंग में कर्नाटक और तमिलनाडु दिन ब दिन सुलगते जा रहे हैं। कावेरी जल विवाद को लेकर बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया है। वहीं बेंगलुरु में बिगड़ते हालात के बाद धारा 144 लगा दी गई है और बेंगलुरु में 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने तक का आदेश दे दिया गया है। दोनों राज्यों में शांति बनाने के लिए लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। वहीं इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता को पत्र लिखकर दोनों राज्यों के बीच मैत्री कायम रखने में सहयोग करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक और तमिलनाडु की हिंसा से केंद्र सरकार भी एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, साथ ही केंद्र ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है। कर्नाटक और तमिलनाडु में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, ऐसे में जरूरत है कि दोनों सरकारें जल्द से जल्द इस मसले पर कोई ठोस समाधान निकालें। देखते रहिए डीवी लाइव।